Hey guys, welcome back to my YouTube channel Car Craze and my name is Sir Khan और हर बार की तरह मैं टाटा मोटर्स की न्यू कार पे कोई ना कोई अपडेट लेके आता रहता हूँ। जैसे कि अब से पहले मैंने टाटा मोटर्स की जो न्यू कार नेक्सोन काले रंग का उसके लिए क्या क्या एक्सेसरीज आए थे सभी मैंने अपडेट किए थे। अब हमारे साथ है टाटा पंच जो है एकॉम्प्लिश वेरिएंट और इसके अंदर क्या क्या जनरल एक्सेसरीज फिट हो सकती है। ऑल ओवर जनरल एक्सेसरीज जो स्पेशली टाटा पंच के लिए ही डिजाइन की गई हैं और जो भी एक्सेसरीज होंगे हमारे पास में वो टाटा मोटर्स की जनरल एक्सेसरीज रहेगी जिनकी सभी की आपको वारंटी मिलेगी एंड जो भी एक्सेसरीज रहेंगी वो पर्टिकुलर कार के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हर एक एक्सेसरीज की जेन्युइन प्राइसिंग के साथ मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ कि कौन सी एक्सेसरीज की क्या प्राइसिंग रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाटा मोटर्स की जेन्युइन एक्सेसरीज बताऊँगा उन सभी की प्राइसिंग जो भी रहेगी वो फिटमेंट चार्जेस एंड GST इंक्लूड आपके साथ में इसमें रहेगी। तो अब मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ फ्रंट प्रोफाइल में कि उसमें आपको क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे फ्रंट बम्पर क्रोम देखने को मिलेगी लाइक जैसे ये वाली। तो ये जो फ्रंट बम्पर क्रोम लगेगी बेसिकली वो इस वाले पार्ट पे लगेगी। जैसे कि आप नोटिस करेंगे कि जो फ्रंट प्रोफाइल है ना पंच कार की वो आपको काफ़ी वाइड एंगल में ब्लैक ब्लैक यूज करा है इसमें क्योंकि मिनी SUV को फील कराने के लिए इसमें काफ़ी ब्लैक ब्लैक यूज किया। तो इसमें फ्रंट की लुक को एनहांस करने के लिए फ्रंट बम्पर क्रोम आती है। एक बार मैं आपको रख के चेकआउट करा देता हूँ कैसी आती है। तो गाइस इसकी जो लुक आएगी लगने के बाद में कुछ आपको इस तरीके की देखने को लगेगी। तो ये फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिखाती है एंड गाइस इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 1415 रुपये कॉस्ट करती है। तो गाइस फ्रंट प्रोफाइल के लिए इसमें फ्रंट की स्किन प्लेट भी आती है जो कि नीचे से प्रोटेक्ट भी करेगी एंड गाड़ी की जो लुकनांस भी करेगी। तो एक बार मैं आपको रख के दिखा देता हूँ कैसे इसकी लुक आती है फ्रंट की स्किन प्लेट लगाने के बाद से। तो गाइस ये फ्रंट में कुछ इस तरीके से लगाई जाती है एंड इसके लगने के बाद जो बाहर की लुक आती है कुछ इस तरीके से आती है। और इसकी जो प्राइसिंग आती है वो फ्रंट प्रोफाइल के लिए 3590 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। एंड गाइस फ्रंट प्रोफाइल में ही आपकी इसमें फोगलम क्रोम आती है जो कार की लुकनांस करने के लिए लगाई जाती है। तो फोगलम के जो राउंड ऑफ पे क्रोम पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसके फिट हो जाने के बाद में कैसी लुक आएगी एक बार मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको इस तरीके से लगने वो आती है एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 765 रुपये प्राइसिंग इसकी आती है। तो गाइस अब जैसे कि आपने देखा होगा क्रिएटिव टॉप वेरिएंट में टाटा पंच के उसमें यहाँ पर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली एकॉम्प्लिश वेरिएंट है इसमें हम रूफ रेल लगा सकते हैं जो कि एज एक्सेसरीज से आप करवा सकते हैं एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 5985 रुपये आती है। और लगने के बाद कैसी लुक आएगी वो भी मैं आपको एक बार रख के चेकआउट करा देता हूँ। तो ये टाटा पंच की जेन्युइन एक्सेसरीज में ये वाली पियानो ब्लैक के फिनिशिंग के साथ में आपको रोफेल देखने को मिलेगी जो कि कुछ जेन्युइन एक्सेसरीज ऐसी होती हैं जो कि लग जाने के बाद आपको ये फील कराती हैं कि ये क्रिएटिव वेरिएंट है या कॉम्प्लीस वेरिएंट है। एंड गाइस अभी ये आपको देखने को मिलेंगे टाटा मोटर्स जेन्युइन एक्सेसरीज में डोर वाइजर जो कि रेन वाइजर होते हैं और इनकी जो प्राइसिंग आती है वो 2250 रुपये आती है एंड ये लग जाने के बाद जो आपको इस तरीके के दिखते हैं वो भी मैं आपको एक बार रिकॉर्ड करा देता हूँ। ये आपको इस तरीके से फिट होकर आते हैं जिसमें आपको ट्राई एंड गाइस अब आपको देखने को मिल जाएगी विंडो फ्रेम क्रोम। और विंडो फ्रेम क्रोम जो स्पेशली टाटा मोटर्स जनरल एक्सेसरीज में आती है वो फ्रंट यहाँ से लेकर आपको लास्ट ये थर्ड रो पार्ट तक आपको देखने को मिल जाती है जो कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक होती है एंड ये लग जाने के बाद इसकी कुछ इस तरीके की लुक आती है वो भी मैं आपको एक पार्ट तक के दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको इस तरह की लुक अनाउंस करती है कार की एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 3490 रुपये इसकी प्राइसिंग आती है। एंड गाइस साइड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली टाटा मोटर से जेन्युइन एक्सेसरीज में डोर इस गार्ड आते हैं जो कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पे लगाए जाएंगे एंड रियर डोर पे इस वाले पार्ट पे लगाए जाएंगे
इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे बराबर में कोई गाड़ी है या कोई डिवाइडर है, हमने इस गाड़ी को डोर ओपन करा तो यहाँ जो इस कॉर्नर पे इसके कह सकते हैं उनकी सेफ्टी करेगा, गाड़ी की रुकनास भी करता है। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 300 रुपये प्राइस आती है के लिए। एंड ये जो फिट होने के बाद में आपको किस तरीके का देखने को लगेगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पर फिट किया जाएगा ऐसे, ये आपने ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि पियानो ब्लैक का आपकी कार के अंदर यूज देखने को मिलेगा, और पियानो ब्लैक जो होता है वो बेसिकली ये वाला होता है। तो गाइस टाटा मोटर्स से जो जनरल एक्सेसरीज में आती है वो है इसका प्लेट, यानी वेलकम प्लेट भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये जैसे ही हम गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो ये जो लगाई जाएगी वो बेसिकली इस पार्ट पे लगाई जाती है, इस वाले पार्ट पे। जब हम पैदल के चढ़ते हैं तो इसके कह सकते हैं उनकी सेफ्टी भी करता है एंड गाड़ी की लुकनास भी करता है। एंड ये लग जाने के बाद में इसकी जो लुक आती है वो किस तरीके की आती है वो मैं आपको एक बार चेकअप करा देता हूँ। तो गाइस ये इस पार्ट पे भी हम लगा सकते हैं इसको, यहाँ पर ये लगने के बाद कुछ इसकी इस तरीके की लुक आती है पंच की। और गाइस लगवाने के लिए हम इसको इस वाले पार्ट पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी लुक आती है। तो जो यहाँ पर भी हम पैर रख के चलते हैं जो यहाँ पर इसके कैस लगती है उनकी भी सेफ्टी करता है, कार की लुकानांस भी करता है। एंड गाइस टाटा मोटर चैनल में टाटा पंच के लिए रूफ स्पॉइलर आता है जो कि कार की एक्सटर्नांस करने के लिए लगाया जाएगा। एंड वो उसकी लुक जो किस तरीके की रहेगी वो मैं आपको एक बार रख के भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी हैवी वेट में आता है जो कि प्रॉपर पेस्टिंग के साथ लगाया जाएगा। एंड ये आपको सभी कलर के साथ में कानो ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। और जो इसका ऊपर का डिजाइन है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसे कार की रूफ का डिजाइन है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से कार की लुक अनाउंस करता है। ये रियर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप किया हुआ होता है। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 5,990 रुपये इसकी प्राइसिंग आती है। एयर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसलिए एक टेलगेट क्रोम आती है यहाँ पर जो कार की लुक अनाउंस के लिए लगाई जाएगी, वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 1,599 रुपये आती है। और लगने के बाद कैसी इसकी लुक दिखती है वो हम आपको एक बार चेक करेंगे। ये फिट हो जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की लुक आपको दिखाती है। जितने भी क्रोम पार्ट लगाए जा रहे हैं उन सभी की एक साल की आपको वारंटी देखने को मिलेगी। क्रोम पे रस्ट आ जाए, ब्लैक पड़ जाए, खराब हो जाए, रिप्लेस करके दिया जाता है सभी पार्ट आपको, कोई भी नहीं। तो गाइस रियर प्रोफाइल में जो ये आपको देखेंगे बैक साइड में ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, तो इसकी क्रोम पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कार की लुकनास के लिए दी जाई है। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 795 रुपये आती है। एंड ये लग जाने के बाद में आपको किस तरह का दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगेगी एंड इसकी जो लुकनास आएगी वो इस तरीके से रहेगी। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाता है रियर प्रोफाइल। गाइस ये है रियर की स्किड प्लेट, जैसे कि आप देखेंगे इसका रियर बम्पर भी काफ़ी वाइड एंगल में ब्लैक ब्लैक क्या हुआ है। तो इसको ड्यूल टोन करने के लिए रियर में स्किड प्लेट आती है जो कि लग जाने के बाद में जो ये वाला पार्ट है इस पर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट लगाई जाएगी। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 3,481 रुपये आती है। एंड फिट जाने के बाद में कार की लुक किस तरीके की आती है वो एक बार मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है रियर की स्किड प्लेट जिसमें आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। एंड ये फिट जाने के बाद में कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट करते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये रियर का जो इसका बम्पर है वो ड्यूल टोन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्पेशली आपने टाटा नेक्सॉन का एंड टाटा सफारी का देखा होगा उसमें ऑलरेडी ये स्किड प्लेट लगी हुई आती है। एंड टाटा पंच में हमें ये लगानी होती है। तो गाइस कार की मैटिंग के लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो कार का अंदर का इंटीरियर या एक्सटीरियर उसके अकॉर्डिंग ट्राई एरो डिजाइन के साथ में आपको पंच की कारपेट मैट देखने को मिल जाती है जिसकी प्राइसिंग आती है 2,250 रुपये।
एंड इसके अलावा हमारे पास में एक 3D मैट आता है, उसको भी मैं आपको एक बार रख के दिखा देता हूँ। एंड गाइस, टाटा पंच के लिए हमारे पास में ये 3D मैट भी आता है, जिसमें आपको ट्राई एरो डिज़ाइन एंड ये स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसकी जो फिनिशिंग एंड फिटिंग किस तरह की आती है, वो भी मैं आपको एक बार गाड़ी में रख के चेकआउट कर देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये पूरा काफ़ी स्पेस कवर कर लेता है, साइड से भी डस्ट नहीं जाती है। एंड ये क्योंकि ट्रे टाइप मैट है, तो इसमें चाय पानी कॉफ़ी कुछ भी गिर जाता है तो ये वॉशेबल होते, निकाल के पानी मार के क्लीन कर लो। एंड इस पर कोई डस्ट वगैरह भी गिर जाती है तो निकाल के एक बार झाड़ दोगे तो मोस्टली इजी तरीके से क्लीन भी कर सकते हो। एंड ये मैट ऐसी है कि आपको ये 3-4 साल तक कभी ख़राब नहीं होती, और कोई कंप्लेन अभी तक इसमें नहीं आई है हमारे पास में। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है कम्प्लीटली 5 पीस के सेट की, उसकी प्राइसिंग आती है 3699 रुपये। हमारे पास में टाटा मोटर्स जनरल एक्सचेंज से 70 मैट भी आ चुका है, जो कि काफ़ी कम्प्लीटली स्पेस कवर करता है। एंड इसमें आपको दो बेनिफिट हैं, एक तो ये पूरा साइड से भी स्पेस कवर कर लेता है, दूसरा इसको क्लीन करने के लिए पूरी मैट को निकालने की नीड नहीं होती। इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ होता है, ये यहाँ से रिमूव करके हम इसको गाड़ सकते हैं, वॉश करके दोबारा भी इसको लगा सकते हैं। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है वो 5999 रुपये आती है कम्प्लीटली 5 पीस के सेट। एंड इसके अलावा बूट स्पेस के लिए भी 3D मैट आ जाता है, जिसको हम फ्रंट मैट बोलते हैं, उसकी प्राइसिंग आती है 6900। वो भी मैं आपको एक बार रख के ट्रैक करा देता हूँ किस तरह की उसकी लुक आती है और कितना वो स्पेस कवर करता है। एंड गाइस, हमारे पास में टाटा पंच के लिए एंटी स्किड मैट आता है, डैश मैट, जो कि बेसिकली आप देखेंगे ये काफ़ी सारे स्पेस कवर कर लेता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कम्प्लीटली, एक आपका ये जो यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर एंटी स्किड मैट लग जाता है इसके अंदर। एंड इसके अलावा ये दोनों स्पेस जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इसमें आपको एंटी स्किड मैट लग जाएगा। एंड वो आप देख रहे हैं डिजिटल क्लस्टर के ऊपर जो स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पर भी आपको एंटी स्किड मैट लग जाता है। इसके ये दो बेनिफिट है, इसके ऊपर हम कोई भी सामान कैरी करते हैं तो एक तो फिसलता नहीं है, दूसरा कोई भी सामान हम रख देते हैं तो नीचे डस्ट बढ़ती है, इसके ऊपर ही वो डस्ट रह जाती है, निकाल के हम इसको दोबारा क्लीन करके भी लगा सकते हैं। एंड इसकी जो प्राइसिंग आती है 575 रुपये आती है कम्प्लीटली सेट। एंड गाइस, ये टाटा पंच के लिए आती है मड फ्लैप, जो कि मड गार्ड भी बोल सकते हैं या मड फ्लैप कह सकते हैं, जो कि ये चारों टायर के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है, जैसे हमारी कार रनिंग पे होती है, जो कार के यहाँ पर पूरे कम्प्लीटली इस पर जो डस्ट लगती है, ये उसको सेव करता है, गाड़ी को गंदी नहीं होने देता है। एंड इन चारों पीस की सेट की जो प्राइसिंग आती है वो 765 रुपये आती है। एंड गाइस, टाटा पंच के लिए जो आता है जनरल एक्सरसाइज में क्रॉसिंग है, इसका 9 इंच का एंड्रॉयड टच स्क्रीन सिस्टम, जिसके अंदर आपको गूगल मैप, यूट्यूब, FM, पैंडा सॉक, ब्लूटूथ, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सारे फीचर आपको इसको देखने के मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको 2 कैटेगरी के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा, लाइक जैसे पंच प्योर वेरिएंट के लिए आप जाते हो तो इसकी जो प्राइसिंग आती है विद 4 स्पीकर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरे के साथ में 33,990 रुपये। एंड अगर हम इसी को पंच एडवेंचर वेरिएंट के साथ में अपडेट कराते हैं तो उसमें आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन सिस्टम एंड इंटरफेस केबल भी लगती है, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा एडवेंचर में जो छोटे छोटे नीचे की तरफ वॉल्यूम बटन होते हैं, वो पीछे का रिवर्स सेंसर होता है, इन सारी चीज़ों को वर्किंग कराने के लिए उसमें इंटरफेस केबल लगाया जाता है। तो इनसे एडवेंचर के लिए जो इसकी प्राइसिंग आती है वो 29,490 रुपये इसकी प्राइसिंग आती है। गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ टाटा मोटर की तरफ से जनरल एक्सरसाइज में आती है व्हील कवर, जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलेंगे। एंड इनकी जो 4 पीस की जो प्राइसिंग आती है वो 3190 रुपये आती है, और ये टाटा मोटर्स के जेन्युइन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आफ्टर मार्केट आप लगा लेते हो, उसमें जो ये स्कटिंग होती है वो मैक्सिमम, जैसे इसके अंदर 10 स्कटिंग दे रखी है, उसमें 5 स्कटिंग होती है, जिससे लॉकिंग की प्रॉब्लम रहती है, जो चलते चलते रनिंग में निकल जाते हैं। आपको ऐसी ही टाटा मोटर्स के जेन्युइन व्हील कवर में निकलने की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाटा पंच के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के व्हील कवर हैं। एंड गाइस, इसमें आपको अलॉय व्हील भी मिल जाएंगे, अलॉय व्हील आपको जो टाटा पंच के टॉप वेरिएंट क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर आते हैं सेम मटेरियल वही मिलते हैं। एंड उनकी जो 4 पीस की प्राइसिंग आती है वो 40,000 आती है। एंड अगर हम अपने प्योर वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील को फिट कराना चाहते हैं तो आपको टायर भी अपग्रेड कराना होता है, क्योंकि प्योर वेरिएंट के अंदर 15 इंच का साइज आता है एंड जो क्रिएटिव वेरिएंट होता है उसके अंदर 16 इंच का साइज आता है, तो इसलिए आपको टायर को भी अपग्रेड कराना होता है। एंड ऑलमोस्ट जैसे अभी तक मैंने गाड़ियों में करवाए हैं तो टायर को जो बाई बैक करने के बाद में एक्स्ट्रा खर्चा आता है टायर का, वो सिर्फ मैक्सिमम 15,000 के आसपास आता है और 40K आपको एलॉय मिल जाते हैं, तो ओवरऑल 55K में आपके कम्प्लीटली क्रिएटिव वाले एलॉय फिट होके मिल जाते हैं। एंड गाइस, अब आपको मैं दिखा देता हूँ सीट कवर, जो कि 8 लेदर सीट कवर है। एंड सीट कवर की 2 साल की गारंटी है टाटा मोटर की तरफ से, कहीं से भी सिलाई निकल जाए, पॉकेट बन के क्रैक हो जाए, रिप्लेस करके दिया जाएगा। एंड उसमें क्या क्या कलर डिजाइन ऑप्शन है वो भी मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। एंड उसमें फिटमेंट के भी 2 टाइप्स ऑप्शन होते हैं, एक बकेट फिटमेंट होती है, नॉर्मल फिटिंग होती है। अगर नॉर्मल फिटिंग कराते हैं तो आपको सेम वही प्राइस रहता है, एंड अगर आप बकेट फिटिंग कराते हो तो उसमें आपको
1540 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं सीट कवर के लिए। एंड बकेट फिटिंग में आपको एग्जिट फिटिंग की जाती है, जो आपकी ओरिजिनल सीट है बिल्कुल सेम एडिंग वही उसी तरीके से, नॉर्मल फिटिंग में नॉर्मल तरीके से ही फिट होता है। तो मैं आपको सीट कवर में कलर या ऑप्शन एक बार चेकआउट करा दूँ। तो गाइस टाटा पंच के लिए जो जेन्युइन एक्सेसरीज में सीट कवर आते हैं उसमें क्या क्या कलर डिजाइन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सीट कवर जो आपको मिलेंगे 8 लेदर सीट कवर मिलेंगे जिनकी 2 साल की गारंटी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। सबसे पहले जो कार का इंटीरियर होता है जो कि बेसिक वेरियंट में एंड अपना एकॉम्प्लिस से टॉप वेरियंट में यानी क्रिएटिव वेरियंट में, उन सभी में जो सीट कवर का इंटीरियर है जो मैच करेगा कार के इंटीरियर से वो सीट कवर, ये सीट कवर होता है, ये वाला सीट कवर। इसकी फिटिंग का कैसा फ़ोटो रहेगा वो भी मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा। एंड गाइस इसके अलावा फिर गाड़ी की स्पोर्टी लुक के लिए आपको कोई सीट कवर लगवाना है, जैसे कि हमें रेड के साथ में कहीं जाना है डिज़ाइन के साथ में, तो रेड के साथ में आपको फिर एक ये सीट कवर देखने को मिल जाता है, ये रेड कलर के साथ में ये सीट कवर है। जितने भी सीट कवर होंगे हमारे पास में वो सभी टाटा मोटर्स की जेन्युइन एक्सेसरीज में होंगे, जिसमें आपको रियर में पॉकेट भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास में और भी ऑप्शन हैं, जैसे हमारा क्रिएटिव में ब्लू कलर आता है या फिर गाड़ी का जो क्रिएटिव वेरिएंट होता है उस सभी कलर में, जो क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर के इंटीरियर में जो एसी के वेंट्स होते हैं वो सभी ब्लू कलर के होते हैं, तो उनसे भी एलिमेंट्स से मैच करने के लिए या कार का जो एक्सटीरियर ब्लू कलर होता है उससे मैच करने के लिए टाटा मोटर्स ने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, या ये डिज़ाइन आप उसके वेरिएंट के अकॉर्डिंग करा सकते हो, जो कि ये भी 8 लेदर है और इसका डिज़ाइन भी कुछ यूनिक है। इसमें आपको ज़्यादा ब्लू नहीं देखने को मिलेगा, बट जो डिज़ाइन डाला है वो बेसिकली कार के एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर डाला गया है। तो एक सीट कवर आपको ये भी मिल जाता है। एंड जैसे अभी आप देखेंगे गाड़ी के सेकंड वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर के साथ में आपको बीच में फैब्रिक भी देखने को मिल जाता है, जैसे जिसमें वेलवेट होता है, जैसे बहुत से कस्टमर कहते हैं यार हमें तो थोड़ी सी सेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, वैसे तो ये 8 लेदर है, ना ही तो आपको इसमें स्मेल आएगी और ना ही ये आपको स्वेट करता है, बट फिर भी बीच में अगर कस्टमर को फैब्रिक की नीड है तो हमारे पास में पेश है ये वाला सीट कवर, जो कि ऑरेंज कलर के साथ में मैच भी करता है एक्सटीरियर के हिसाब से और कार के इंटीरियर के हिसाब से भी। एंड इसमें जो आप देखेंगे ये बीच में फैब्रिक यूज़ किया गया है, ये वेलवेट फैब्रिक है। इसमें हम कितने भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं भी हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो हमें ये कभी भी स्वेटिंग नहीं होने देगा, ये भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। एंड गाइस इसके अलावा जो आपको एक सीट कवर और देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी डिमांड में होता है ये वाला सीट कवर, एंड ये सीट कवर जो है वो आपको एक बेसिक रेड कलर की पाइपिंग के साथ में ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेंटर में ट्राई एरो डिज़ाइन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कार के लुक को अट्रैक्टिव एंड इन्हांस करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे टाटा पंच में ट्राई एरो डिज़ाइन या टाटा मोटर्स की जो न्यू कार आ रही है उन सभी में आपको ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, तो उन सभी से ये मैच करने के अकॉर्डिंग या उसके कार को एक्सटीरियर को और एक्स्ट्रा एनहांस करने के लिए ये वाला डिज़ाइन डाला गया है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है सीट कवर, और मतलब कस्टमर की डिमांड में भी सीट कवर ये वाला ही सबसे ज़्यादा आता है। तो ये आपको बेसिक से लेके क्रिएटिव तक टॉप वेरिएंट तक सभी वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसके अलावा आपको जो हमारा स्मार्ट पैक आता है, स्मार्ट पैक के अंदर जो सीट कवर देखने को मिलता है वो सीट कवर आपको ये वाला देखने को मिलता है, ये स्पेशली बस स्मार्ट पैक के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आपको ये वाला डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको लाइट ग्रे कलर का यानी जो आपकी कार के अंदर का इंटीरियर है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो गाइस मैंने आपको टाटा पंच की सारी जेन्युइन एक्सेसरीज के बारे में एक्सप्लेन किया है और सभी के आपको जेन्युइन प्राइसिंग भी आपको बताए हैं, जो कि सभी एक्सेसरीज हैं वो सभी फिटमेंट चार्जेस GST इंक्लूड के साथ में है, और इन सभी प्राइसिंग में जैसे हमने सीट कवर के भी आपको प्राइसिंग बताए हैं, उनमें लेबर चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, सिस्टम वगैरह में भी इंक्लूड है और सारे पार्टों में है। एंड ये जो भी हम एक्सेसरीज आपको बता रहे हैं ये 100% टाटा मोटर्स की जेन्युइन एक्सेसरीज हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि आफ्टर वेंडर हमारे पास में ये कोई प्रोडक्ट है और हम उसको आपको टाटा मोटर्स बता रहे हैं,
जितने ही पार्ट मिलेंगे वो आपको 100% टाटा मोटर्स के जेन्युइन मिलेंगे। सभी पे टाटा मोटर्स जेन्युइन एक्सेसरीज रहेगा लिखा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी पार्ट हो, जितने भी पार्ट हैं वो सभी टाटा मोटर्स के जेन्युइन एक्सेसरीज वाले ही पार्ट होंगे। एलॉय वगैरह ये जो भी चीज़ें वो भी टाटा मोटर्स के ही होते हैं हमारे पास में। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें। एंड गाइस प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा कि आपको, जैसे अभी मैंने सबसे पहले नेक्सॉन पूरी ऑल ओवर एक्सेसरीज की अपडेट आपको दी थी, इसके अलावा कस्टमर की डिमांड पे मैंने आपको पंच की सारी ऑल ओवर जेन्युइन एक्सेसरीज की विद प्राइसिंग आपको अपडेट दे रहा हूँ। एंड इसके अलावा आपको फिर और कौन सी कार पे जेन्युइन एक्सेसरीज की अपडेट चाहिए और एक्सेसरीज में कोई भी आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे सारी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप पता कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much.